त्रिवेणी की शक्ति का एक बड़ा स्रोत है मां गंगा। मां गंगा स्वच्छ हो, निर्मल हो, अविरल हो, इसके लिए सरकार तेज गति से काम कर रही है। आज यहां जो हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है उसमें गंगा जी की सफाई और यहां के घाटों के सुंदरीकरण से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट भी उसमें शामिल है। 1700 करोड़ रुपए की लागत से बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से शहर के करीब एक दर्जन नालों को सीधे गंगा जी में बहने से रोका जा सकेगा। वहीं नमामि गंगे परियोजना में करीब 150 घाटों का सौंदर्यीकरण भी किया जाना है। इसमें से करीब 50 घाटों का काम पूरा हो गया है। ऐसे 6 घाटों का लोकार्पण भी यहां आज किया गया है। भाइयों और बहनों, प्रयागराज हो, काशी हो, कानपुर हो, यूपी के तमाम शहरों समेत गंगा के किनारे बसे हर राज्य में इस प्रकार की सुविधाओं का निर्माण हो रहा है। नमामि गंगे मिशन के तहत अब तक 24,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी जा चुकी है। 5,000 करोड़ रुपए के 75 प्रोजेक्ट्स पूरे किए जा चुके हैं। हजारों करोड़ रुपए के 150 प्रोजेक्ट्स, उस पर तेजी से काम चल रहा है। साथियों, गंगा मैया निर्मल और अविरल होगी, इस निश्चय के पीछे की सबसे बड़ी शक्ति सरकारी तंत्र तो है ही, करोड़ों स्वच्छाग्रहियों मां गंगा के सेवकों का भी योगदान है। जन जन इस अभियान से जुड़े रहे हैं, अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। गंगा जी के प्रति जन भागीदारी और जिम्मेदारी ने हमारे प्रयासों को अधिक बल दिया है। अब गंगा के किनारे के करीब करीब सारे गांव अब खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुके हैं। भाइयों और बहनों, शास्त्रों में स्वच्छता को देवत्व से जोड़ा गया है। कुंभ में देवताओं का निवास होता है, ऐसे में कुंभ में मां गंगा की सफाई हो या फिर स्वच्छ कुंभ की बात, इस बार के कुंभ में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।